नमस्कार भाई और बहनों, आज हम लेंगे बहुत ही फेमस राजनीति में जो बहुत ही नाम कमा चुके हैं राहुल गांधी जी का। ये बहुत ही जल्दी इन्होंने मतलब कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह दिया है, तो आइए इनसे बात करेंगे थोड़ी सी। हाँ जी राहुल गांधी जी, राहुल गांधी जी आप बताइए कि आपको राजनीति से बिल्कुल चले जाना चाह रहे हैं आज, अब क्या करना चाह रहे हैं आप? जा चुका हूँ मैं तो, मैं कांग्रेस छोड़ रहा हूँ, पाकिस्तान वालों को सपोर्ट छोड़ रहा हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल सब छोड़ दिया मैंने जी। अब मैं सोच रहा हूँ मोदी जी कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। तो मोदी जी से बिल्कुल हार गए, आपने लड़ाई इतनी अच्छी तरीके से लड़ी थी स्टार्टिंग में, बहुत नाम कमाना चाहता था मैं जी। मोदी जी ने बहुत बेइज्जती करा दी जी, आंसू भी मैं छुपा सकता हूँ इससे जी 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 जी, पर भावना रोक नहीं सकता जी जी जी। तो राहुल गांधी जी मैं बहुत ही अफसोस के साथ कहना चाहूँगा कि आप बहुत ही बड़े कार्यकर्ता थे हमारे राजनीति कांग्रेस अध्यक्ष जी, बहुत बढ़िया काम करा था हमने ना जी 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 जी। आपने जनता सपोर्ट नहीं करा यार, बिल्कुल भी यार, 150 व्यू कौन चला मेरे को, वोट नहीं दिया किसी ने यार, बताओ यार कांग्रेस को वोट नहीं दे, किसको देंगे वोट? ये स्मृति ईरानी जी ने आपको वहाँ पे हराया, बड़ी बुरी तरीके से हराया, इस बात से आप परेशान होके आपने ये फैसला लिया कि अब आगे आप राजनीति में नहीं रहना चाहेंगे? दो बोतल मैंने जहर की पी थी, उसके बाद भी मैं उठ के खड़ा हो गया था, तो पहले इलाज करा ले जाए, पैसे तो बहुत है जी जी जी, फिर उसके बाद इलाज हो गया था ठीक ठाक, घूमा अच्छा। थोड़ा खराब है ना। अच्छा। तो राहुल गांधी जी आपके लिए हम बहुत अफसोस जाहिर करेंगे कि आप हमारे बहुत ही प्यारे कार्यकर्ता थे, बहुत ही अच्छे अध्यक्ष थे। अच्छे होते तो तुम वोट ना देते क्या, बेकार है हम। तो अब आपका क्या विचार है, अब आगे क्या करना चाहते हैं आप? मैं सोच रहा हूँ अचार की फैक्ट्री डाल दी जाए एक, नींबू पानी का ठेला लगा लिया जाए। यूपी साइड में बहुत चलता है, अच्छा वही लगाऊंगा मैं जी जी, एक छतरी लगा लूंगा छोटी सी जी जी जी, ठेला बहुत चलेगा जी। बहुत ही अच्छा सोच है आपकी, थोड़ा बहुत हम भी कंट्रीब्यूट करेंगे आपके लिए अगर आप चाहेंगे तो। ना कोई नहीं, ठेले में कितना पैसा लग रहा, 2-3 हजार में ठेला, 3 हजार बाकी जानने वाले सब, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, बिजनेस बढ़िया चलेगा मेरा। आप खेती भी करना चाह रहे हैं, आलू की खेती भी करने के लिए सोच रहे थे? खेती मैंने सोचा था कि नीचे से आलू डालू ऊपर से सोना निकलेगा, नीचे से आलू डाला मैंने ऊपर से मैं सो गया, जब मैं हार गया था तब मैं उठा जी, थोड़ी दिक्कत ज्यादा आ गई जी। अब मैं ठीक हूँ, अब तो मैं तंदुरुस्त हूँ, अब तो मैं कम से कम 100 चाले 200 चाले खरीद सकता हूँ अपने नाम के। तो छोले भटूरे का ठेला भी लगाना चाहता हूँ मैं। छोले भटूरे का ठेला भी कहाँ लगाएंगे, किस जगह पे लगाएंगे? मैं यूपी साइड में लगाऊंगा, इधर देहरादून में चलता नहीं इतना, यूपी में चलेगा। अच्छा यूपी में छोले का ठेला लगाएंगे, किराए पे रखूंगा मैं, एक बंदा रखूंगा 1-2 हजार रुपए में जो मेरा साथ काम कर ले। आप आ सकते हो भाई? नहीं भाई जी, हम तो कैमरा मैन है, हमारी 45,000 रुपए सैलरी है। ठीक है तो फिर मैं तो 2-3 हजार से आदमी सकता हूँ, गरीब आदमी। तो राहुल गांधी जी आपने क्या उसका नाम कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है, इस पे अब आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? प्रतिक्रिया तो हमें पता नहीं था, इंग्लिश विंग्लिश तो आती नहीं, पर ये हिंदी है, हिंदी में बोल रहा हूँ। अच्छा, हिंदी प्रतिक्रिया होती है। तो मतलब हम प्रतिक्रिया क्या दे सकते हैं, मैं जब बचपन में स्कूल में था तो मैंने कंपास दिया था मैडम के ना पीछे से, तो वो बहुत चिल्लाई थी जी जी, उनने कंपास मेरे आगे डाल दिया था जी, बाद में मैं आगे से कुछ काम नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, तो यही कारण है। मैंने सुना है राहुल गांधी जी आप एकदम बौखला से जा जाते हैं, आप कुछ भी बोल दो आप एकदम से बौखला जाते हैं। एक्चुअली स्पीच में मेरे को थोड़ी दिक्कत आती है, तो मैंने स्कूल में भी स्पीच नहीं दी कभी, तो जो स्पीच है वो मोदी जी अच्छे रट के आते हैं, याद करके आते हैं, पर हमारे बस का तो वो सब नहीं है, हम बढ़िया है देखो जी जी। मैंने सुना है आप जो बोलते हैं बिल्कुल खुला बोलते हैं, आपको कोई डर नहीं रहता किसी चीज का कि मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं मैं घबरा जाता हूँ। अच्छा। डर तो नहीं रहता, खैर डर तो मेरे को आज तक किसी का नहीं लगा, पैसा बहुत छोड़ के गए थे घर वाले। अच्छा, डर किसी चीज का नहीं है, पर ये मैं घबरा थोड़ा जाता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं मेरी पैर में पेशाब ना निकल जाए जी जी, इस बात का भी डर है मुझे। तो मतलब आप बोलते समय आपके अंदर ये नहीं पता लगता कि आप क्या बोल रहे हैं और क्या बोल देते हैं? नहीं मैं तो कुछ भी बोल देता हूँ पर कोई समझ नहीं पाता उससे ना जी जी जी। एक बार मैंने बोला था आलू निकालेंगे सोना निकलेगा, लोगों ने गलत वे ले लिया उसका। हाँ। जी जी। लोग आलू को बेचने खाने लग गए, पीने लग गए, और मेरे मुंह पे मारा आलू फेंक के ना कह
कह रही सोना कहाँ है, फिर मैंने एक किलो सोना अपने घर से दिया उसे। उस बात के बाद आपने दो महीने तक कुछ नहीं बोला था जनता को, हमें भी याद है। लायक नहीं छोड़ा उन्होंने, आलू भी आलू मेरे घर में मार रहे थे लोग, शीशे तोड़ दिए मेरे घर के। जी जी जी, आलू मार मार के। जी जी, मैंने भी बहुत तेज आदमी था, मैंने भी सोना सारा फेंक दिया, मैं गरीब हो गया, ठेला वेला लगाए। ये कारण जिसे मिला मिला, जिसे नहीं मिला उन्होंने जूते ही मारे मेरे को। राजनीति में आपका एक पोस्टर की कीमत कम से कम 20,000 रुपए थी, एक पोस्टर की कीमत। एक पोस्टर जो आपका अमेठी में था, जो दीवारों पर लगा। देखो मैं अमीर था, अब तो देखो 20,000 रुपए बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। जी जी जी, सब मैं अमीर आदमी था, तो मैंने बहुत पैसा दिया इधर, बहुत पैसा बांटा आपने, वेस्ट किया मैंने बहुत पैसा। दिस इज माय इंग्लिश फालतू की। अफसोस हो रहा है आपको इस बात का कि आज आपको आम की ठेली और नींबू की ठेली लगानी पड़ रही है इस जगह पे। मुश्किल से मुश्किल कम से कम 1,00,000 रुपए मैंने जोड़े थे जी, ताकि मैं बिजनेस बचा सकूं। सारा पैसा मैंने दारू में उड़ा दिया जी। तो पीते नहीं थे सर आप? मैंने लोगों को दारू पिलाई, अच्छा, वोट देंगे। अच्छा, दारू पी के झांझ में मोदी को वोट देके आगे नुकसान कर दिया उन्होंने थोड़ा सा। बहुत अफसोस रहेगा सर हमारे। आप, मैं एक बात बोलना चाहूंगा आपको कि आप जैसा जो अध्यक्ष है ना, हमें दोबारा नहीं मिलने का। आप जानते हो कि मैं अध्यक्ष हूँ जी, मुझे खुद नहीं पता मैं अध्यक्ष हूँ। अच्छा, तो कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष की तरफ से, राहुल गांधी जी की तरफ से आपको बहुत बहुत आपके, राहुल गांधी तो मैं ही हूँ। हाँ, राहुल गांधी जी आपको ही। अच्छा, आपको बहुत बहुत बधाई अपने आगे के कार्य के लिए जो आप करना चाहते हैं। मैं कम से कम 1 किलो सोना बेच के अपना, कोई खरीदेगा तो बताना। अच्छा अच्छा, 1 किलो सोना बेचना चाहता हूँ, मंगलसूत्र रखा हुआ घर में। अच्छा, और एक मंगलसूत्र, हाँ, सोने की किडनी है मेरी ना, मैंने बाद में बनवा ली थी इस वजह से सोने की किडनी। अच्छा, ताकि लीवर उवर खराब ना हो मेरा। अच्छा अच्छा, तो वो मैं बेचना चाहता हूँ, अगर कोई ग्राहक है तो प्लीज कॉन्टेक्ट करें। बाकी प्रॉपर्टी डीलर से मैं बात कर रहा हूँ जी, कोई ना कोई बताई देगा मुझे। अच्छा अच्छा, एक ठेला लगा सकूँ बढ़िया। अच्छा अच्छा, जूस लेना है ना भाई जी, देखो अगर मोदी जी ने वहाँ पे भी कोई इंटरफेयर किया और आपको वो ठेले लगा, निगम वाले भेज देगा मुझे बताया। पर मैं पहले से अपना हिसाब बना के चलूंगा, नगर निगम से स्लिप कटवा लूंगा। नगर निगम ने क्या कहीं उन्होंने आपका ठेला टूटा टुड़वा टुड़वा दिया, क्योंकि आपकी दुश्मनी बहुत खतरनाक हो रही है इस समय मोदी जी। आपको पता ही है, शुरू कर दूंगा, मेरे पास बहुत काम है, बिजनेस की कोई दिक्कत। और उन्होंने जूते ही बंद करवा दिए देश में आने, तो चप्पलें पहने शुरू कर दी, तब क्या करेंगे आप बताइए राहुल? चप्पलें खानी तो शुरू नहीं करी ना हम लोगों ने, हम तो खा रहे ना। जी तो जी जी जी, जी जी, हम बढ़िया काम करेंगे। देखो इस बार, इस बार नो सरकार, राहुल गांधी नो सरकार, अब करेंगे जूते की सफाई। तो राहुल गांधी जी, अब आप दूसरा काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहूंगा बहुत। विश्वास रखो अपने अंदर ना थोड़ा सा। जी जी जी, कि मैं थोड़े बहुत पैसे वैसे कमा के 50-60 जन्म बाद जी मैं जालूंगा। आप मोदी जी को हराना चाहेंगे? अगले जन्म में मैं मोदी जी को हरा दूंगा। जी जी, में थोड़ी दिक्कत आ गई। अच्छा अच्छा अच्छा, अगले जन्म किडनी विडनी खराब हो गई थी। जी जी जी, हार्ट फेल हो गया था हमारा। तो अब अगले जन्म में हम पक्का हरा देंगे मोदी जी को, अगले जन्म में पक्का हराएंगे आप। ये बात आप हमारे चैनल परसों तक पे बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि मोदी जी को अगले 7 जन्म में भी आपको हराना पॉसिबल नहीं है मुझे जहाँ तक लग रहा है। 8वां जन्म उधार ले लेंगे भगवान से, अपने जानने वाले हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है राहुल गांधी जी, आप बहुत ही बेहतरीन प्लेयर रह चुके हैं हमारे, मतलब नहीं, बहुत ही बेहतरीन अध्यक्ष रहे हैं हमारे इंडियन टीम। पहले मैंने बहुत पैसा वैसा कमाया, अब तो थोड़ी दिक्कत आ गई, अब मैं थोड़ा गरीबी रेखा के नीचे आ चुका हूँ, मैं थोड़ा जनता को अमीर करूँ, मैं तो खुद ही गरीब हो गया। चलो कोई बात, जनता ने, मुझे पता था जनता आपके साथ यही करेगी हमेशा। आजकल मैंने सुना है राहुल गांधी जी आपको लोग पहचानते भी नहीं है, आपके सामने सामने खड़े रहते हैं लोग, आपको देखते भी नहीं। अरे वो देखते तो है लेकिन मन ही मन में गाली देते हैं। जी जी, वो मेरे मन तक पहुँचती है। अच्छा अच्छा, तो राहुल गांधी जी बहुत अच्छा रहा आपका इंटरव्यू हमारे चैनल पे आए आप, बहुत ही 10-20 रुपए का जूस पीना ना भाई जी यार। ठीक है ठीक है, मैं बहुत सारे जूस पीऊंगा आपकी दुकान से। थैंक यू राहुल गांधी जी। नींबू का भी लगा रखा, आम का भी लगा रखा, जापानी तेल का भी लगा रखा, खड़ा उड़ा हो जाता। चलो ठीक है, थैंक यू राहुल गांधी जी, ओके बाय। थैंक यू आप, जा रहा हूँ, बाय।